नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव इस वक्त अपने चरम पर है और पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही है कि हालात किस ओर आगे बढ़ते हैं। क्या वाकई युद्ध के मुहाने पर खड़ा है रूस और यूक्रेन? और अगर ऐसा है तो फिर पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चिंता की वजह है, पूरी दुनिया के लिए, यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, रूस के लिए, सबके लिए बड़ी चिंता की वजह है। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा जानकारी मिल रही है वो ये कि यूक्रेन की तरफ से फ्राइडे को ये कहा गया था कि वो चाहते हैं कि एक बैठक हो, एक आपात बैठक हो यूक्रेन और रूस के बीच में, और इस बैठक के लिए संदेश भेजा गया था यूक्रेन की तरफ से, कीव की तरफ से ये संदेश भेजा गया था रूस को। ये संदेश OSCE के जरिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, उनके जरिए ये संदेश यूक्रेन की तरफ से रूस को दिया गया था। लेकिन रूस ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, कोई भी आधिकारिक जवाब नहीं दिया है इस बैठक के लिए। दरअसल यूक्रेन चाहता यह है कि एक आपात बैठक हो रूस और यूक्रेन के बीच। इस बैठक में जो जमावड़ा है, जो सैनिकों को इकट्ठा किया है रूस ने यूक्रेन के तीन तरफ के बॉर्डर्स पर, यानी यूक्रेन को पूरी तरह से घेर लिया है रूस ने अपने सैनिकों को वहां भेजकर, बड़ी तादाद में सैनिक रूस के वहां मौजूद हैं। यूक्रेन चाहता है कि इस बैठक में इस पर चर्चा हो, लेकिन अभी तक रूस ने इस पर आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। अब यूक्रेन ने कहा है कि अगले 48 घंटे में वो चाहता है कि यह बैठक जरूर हो यूक्रेन और रूस के बीच में, लेकिन रूस ने इस पर कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच में जो हालात बने उसमें हम सब ये जानते हैं कि कैसे रूस ने धीरे धीरे अपने सैनिकों के जमावड़े को बढ़ाया है, अपने हथियारों की तैनाती की है, तमाम तरह के हथियार वहाँ फ्रंट पर मौजूद हैं, तीन तरफ से लगभग उसने यूक्रेन को पूरी तरह से घेर लिया है। अमेरिका लगातार वही कह रहा है जो पिछले काफ़ी समय से कहता आया है कि अगर रूस ने किसी भी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की यूक्रेन की तरफ तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, हर तरह के हालात के लिए अमेरिका तैयार है, इसकी एक भारी कीमत रूस को चुकानी होगी। लेकिन जब अमेरिका ये कहता है कि भारी कीमत रूस को चुकानी होगी तो इसका मतलब क्या वो सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस तक ही अपने आप को सीमित रखेगा या मिलिट्री ऑप्शंस की तरफ भी जाएगा? हालांकि अभी तक यूक्रेन क्योंकि नाटो का सदस्य नहीं है, इस वजह से अमेरिका जंग में सीधे तौर पर नहीं जा सकता है, और क्या वो जाना चाहता भी है या नहीं, क्योंकि एक सोच इस तरह की भी है, इस तरह की भी जानकारियां सामने आ रही हैं कि अमेरिका लगातार जो वॉर रेट्रिक है उसे बहुत ज़्यादा अमेरिका की तरफ से वॉर रेट्रिक है, और वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कह चुके हैं कई बार कि अमेरिका को ये करने से बचना चाहिए, इससे तनाव और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्या अमेरिका खुद भी ये चाहता है कि ये तनाव बढ़े? दूसरी तरफ रूस तनाव तो ज़रूर बढ़ा रहा है, लेकिन क्या वो युद्ध चाहता है या नहीं, क्योंकि युद्ध अगर होता है तो रूस के लिए भी ये कोई अच्छी खबर नहीं होगी। हालांकि रूस के पास, रूस ने ये साफ कर दिया है कि वो, उसके लिए ये रेड लाइन है, यानी किसी भी सूरत में यूक्रेन अगर नाटो की तरफ जाता है, उसका सदस्य बनता है, ये रूस को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा, और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो अभी हो रहा है, लेकिन इस वक्त जो जर्मन चांसलर हैं वो यूक्रेन में मौजूद हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और दरअसल इस वक्त लगातार कोशिश हो रही है फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका की तरफ से कि जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उन्हें खुला रखा जाए, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की जो लेटेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो ये दावा करती हैं कि 16 फरवरी तक रूस यूक्रेन पर अटैक करेगा। अब देखना यह है कि यहाँ से स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती है या बातचीत के आगे बढ़ती है। इस बीच जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं यूके में, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि युद्ध जैसे हालात को टालने के लिए यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने के अपने इरादे से पीछे हट सकता है। ये बड़ा डेवलपमेंट है, ये बड़ा बयान है। अगर इस सोच के तहत यूक्रेन आगे बढ़ रहा है और अगर बातचीत के लिए उसने जो अगले 48 घंटे का समय दिया है उस तरह की बातचीत होती है तो क्या नतीजा निकल कर आता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अगले 10 दिन, पहले अगले 48 घंटे और उसके बाद अगले 10 दिन बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि यूरोप के हालात किस तरह के रहेंगे। एक स्थिरता जो बनी हुई थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद, क्या वो बनी रहेगी या ये जो स्थिरता है इस बैलेंस को पूरी तरह से बिगाड़ देगा रूस और यूक्रेन के बीच बना हुआ ये तनाव। इसके अलावा पूरी दुनिया के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। तो अगले 48 घंटे और उसके बाद अगले 10 दिन बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही।